रायबरेली में सराफा व्यवसायी के साथ लूट हो गई कार सवार बदमाश सराफा व्यवसायी से 2 किलो चांदी लूटकर फरार हैं। लालगंज के आचार्य नगर निवासी शिवम सोनी की अटोरा में सराफा की दुकान है। शिवम दुकान बंद करके लालगंज बाइक से अपने घर जा रहे थे, तभी अटोरा लालगंज मार्ग कार सवार बदमाशों ने शिवम की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से शिवम गिर गया तो कार सवार लुटेरे उसका 2 किलो चांदी से भरा बैग लेकर लालगंज की ओर फरार हो गए, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख बताई जा रही है। जहां पीड़ित द्वारा गुरबख्शगंज थाने में तहरीर दी गई, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और लुटेरों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी शुरू कर दी गई है। 21 वर्ष का नवयुवक शिवम सोनी है, उनके पिता का नाम विजय सोनी था और ये सूदन खेड़ा थाना लालगंज के निवासी है। ये बताते हैं कि लगभग 2-3 घंटे पहले इनके साथ मारपीट की घटना हुई थी, शायद लूटपाट वगैरह में और इसमें इनके सर में बाई तरफ चोटें आई हैं और कुछ चोटें पैर में और हाथ में भी आई हैं। चोटों को मैंने नोट कर लिया है और प्राथमिक उपचार कर दिया है और शायद अब उसके बाद अग्रेतर कार्रवाई के लिए पुलिस के पास। कोई शिवर दिक्कत तो अभी ऐसी तो नहीं है, कोई चोट दिखी मुझे जो चोटें और प्राथमिक। भैया हमारा नाम शिवम सोनी है, अटोरा में हमारी ज्वेलरी की शॉप है। हम दुकान बंद करके वापस आ रहे थे तो कुछ लोग स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी उससे पीछे लगे हमारे और काफ़ी दूर तक पीछा किया। जब हमने भगाने की कोशिश की गाड़ी तो उन्होंने टक्कर मार दिया पीछे से, तो हम काफ़ी दूर तक फिसलते हुए गए और फिर लोग वो लोग गाड़ी से उतरते हैं, उतर करके हमें मारने लगते हैं और मारते हुए मेरा बैग छीनते हैं, बोलते हैं भोसड़ी के बैग दे, भोसड़ी के बैग दे, काफ़ी गाली गलौज किया और बैग छीन कर लेकर उसी गाड़ी से लालगंज की तरफ भाग गया। क्या क्या था उस बैग में? बैग में हमारी चांदी की तोलिया वगैरह थी, मीने थे, रहन थी हमारी उसमें, बस यही सामान था। समझिए 1 से 1.5 किलो क्या था, 2 किलो चांदी थी उसमें। कितने की थी? समथिंग 1.5 लाख के आसपास चांदी थी उसमें। थाने में तहरीर दिया? थाने में तहरीर दी गई है, आगे की कार्रवाई करी जाएगी।